हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा डेडपूल से रिलेटेड एकदम काफी कमाल के अपडेट के बारे में। सभी ने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी होगी, जिसमें कि हमने देखा कि मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा कमाल का था, जिसमें कि अलग अलग यूनिवर्स से स्पाइडरमैन इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिलकर लड़ते हैं अपनी परेशानियों से। पर ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमें डेडपूल इंट्रोडक्शन कराता, वो भी एमसीयू में, वो भी एक ब्रांड न्यू सुपर हीरो के साथ, जो कि था शैंग-ची। तो ऐसा क्या हुआ कि ये प्लान कैंसिल कर दिया और देन इसको पोस्टपोन कर दिया। तो सभी के अपडेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे पहले एस्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीसी के अपडेट के बारे में, जो कि ये बैटगर्ल से रिलेटेड। तो न्यू सेट इमेजेस कंफर्म करती हैं कि बारबरा गॉर्डन के पास एक खुद की बैटगर्ल बाइक होगी, जिससे कि वो स्टंट करती नजर आएंगी। और फिलहाल एक सेट इमेजेस भी है जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी पड़ी है, तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ विलेन का भी फर्स्ट लुक रिवील्ड कर दिया गया, जो कि बिल्कुल कॉमिक बुक से एक्यूरेट नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि है एंटमैन 3 से रिलेटेड। तो फाइनली न्यू सेट इमेजेस सामने आ चुकी हैं, जिसमें कि पॉल प्रीवियस कॉस्ट्यूम पहने नजर आ रहे हैं। कॉस्ट्यूम मत कहने का मतलब ये है कि वही शर्ट, वही अंदर का टी शर्ट लुक पुराना, यानी कि कोई टाइम ट्रेवल या प्रीवियस कोई सीन हो सकता है बैक का। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ टैगे वेटेटी, जो कि थॉर 4 के डायरेक्टर है, उनसे पूछा गया कि भाई कोई अपडेट है या नहीं ट्रेलर से रिलेटेड। तो उन्होंने बताया कि अभी तो एडिटिंग नहीं हुई है और एडिटिंग जून तक चलेगी। और उसी के साथ अगला अपडेट है बहुत ही कमाल का। आलिया भट्ट को अभी हाल ही में कास्ट करा गया स्पाई थ्रिल मूवी हॉलीवुड की, नेटफ्लिक्स की हार्ट ऑफ द स्टोन, जो कि गैल गैडोट की मेन लीड करने वाली हैं। उसी के साथ मून नाइट का न्यू लुक रिलीज हुआ है, बहुत ही कमाल का, जो कि अच्छा लग रहा है और इसमें वो काफी ज्यादा परेशान भी लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना कि वो क्यों परेशान है। उसी के साथ एकदम ऑफिशियल कंफर्मेशन, प्राइम वीडियो काम कर रहा है गॉड ऑफ वॉर की टीवी सीरीज पर और ये ऑफिशियली प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। और जो भी अपडेट आएंगे आपको मैं तुरंत बता दूंगा। अब बात करते हैं धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो फाइनली स्पाइडरमैन की जो न्यू ट्रिलॉजी आ रही है, उसमें आपको वेनम और मॉर्बियस भी देखने को मिलेंगे, ये एकदम कंफर्म हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, वो है शैंग-ची से रिलेटेड। तो शैंग-ची में आपने देखा होगा कि एक ऐसा मिड का सीन आता है, जिसमें कि शैंग-ची और शैंग-ची की फैन दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। बट इससे पहले हमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है इनक्रेडिबल हल्क की मेन विलेन एबोमिनेशन से, जो कि सन 2008 में आई थी मूवी। और उसी के साथ जो सामने होता है बंदा, वो होता है वॉन्ग। तो उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है, पर इनकी जगह और कोई दो जने लड़ने वाले थे, वो थे डेडपूल और प्रॉक्सिमा मिडनाइट। अब डेडपूल को तो सभी जानते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, पर प्रॉक्सिमा मिडनाइट एक्चुअली में थैनोस की गोदली हुई बेटी थी, जी हाँ, जो कि एवेंजर्स एंडगेम में दिखाई जाने वाली थी, पर इसको कैंसिल कर दिया गया। और शायद मुझे लगता है कि इसको फ्यूचर के लिए छोड़ा होगा, जो कि शैंग-ची में इंक्लूडिंग करना था, बट ये भी प्लान कैंसिल कर दिया। राइटर्स ने बताया कि ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ और एक स्क्रैप था, जो कि प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया था आइडिया, और केविन फैगी ने शायद मे भी मना कर दिया होगा। तो ये दोनों सीन जो कैमियो थे वो एक्चुअल में होने वाले थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपका क्या मानना है इस सीन को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणियां जरूर देना। और उसी के साथ अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, जिससे कि मैं आपके कमेंट को एक हार्ट इमोजी दे सकूं। उसी के साथ गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।